हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी डिज़र्ट की रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल और एक आसान रेसिपी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये डिज़र्ट की रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। अब इस दूध को हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। अगर आपको ये देखना है कि हमें कितनी देर तक उबालना है तो आप ऐसा करिए, 3 से 4 उबाल आने तक इसको उबालिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही 3 से 4 उबाल आ जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो अभी यहाँ पर मैं इसको ऐसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर दूध को उबाल रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बॉईल बहुत अच्छा आ चुका है। अब इसी स्टेज पर मैंने आधा कप यहाँ पर शुगर ऐड किया है। आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब कस्टर्ड पाउडर क्या होता है कि वो ऑलरेडी मीठा होता है, तो ज़्यादा मीठा ना हो जाए इसलिए यहाँ पर मैंने इतना ही ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये वाला। अब इसमें से हम 2 चम्मच एक बोल में ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है और इसी में से ही मैं 2 चम्मच बॉयल मिल्क इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो पहले से भी बाहर निकाल के रख सकते हैं। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, मिल्क अच्छे से बॉयल हो रहा है, हमें क्या करना है, अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई भी लम्स ना हो। अब इसी स्टेज पर हम कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर देंगे। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई लम्स नहीं है, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी और तुरंत ही हमें डालने के साथ ही इसे तुरंत ही हमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी वेट करेंगे, अगर टाइम करते हैं तो क्या होगा, इसमें लम्स पड़ जाएंगे, है ना, वो इकट्ठे से हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छा, अब मैं ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद क्या होता है, कस्टर्ड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी थिक हो जाता है ठंडा होने के बाद, है ना। तो ज़्यादा गाढ़ा मुझे नहीं करना, मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी पसंद है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है? ये देखिए, इसने स्पैचुला को कितने अच्छे से कोट किया है। आप ऐसे फिंगर करिए और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से कोट किया है। तो ये इंडिकेशन है, ये साइन है कि कस्टर्ड अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर के लिए आधा घंटा के लिए, 1 से आधा घंटा के लिए हम रख देंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब चलिए, अब इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल, इसमें कस्टर्ड हम ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है फ्रूट्स, जैसे कि ग्रेप्स, पाइनएप्पल और बनाना, और साथ ही अनार। अनार ज़रूर ऐड करिए, ये हमारे कस्टर्ड को बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल बनाएगा। और साथ ही ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, अगर आप ऐड करेंगे तो उसका स्वाद बढ़ ही जाएगा। तो अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो अब सारी चीज़ें मिक्स कर दिया, अब इसको हम ऊपर से गार्निश करते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड किए थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स, चॉप किए हुए ये ग्रेप्स, कोई से भी आप ये दोनों में से कोई भी ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे अनार के कुछ दाने। तो है ना, कितना डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है हमारा ये डेजर्ट। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। अब जब हम डिनर करेंगे उस वक्त हम अपने कस्टर्ड को, इस डिलीशियस डेजर्ट को सर्व करेंगे। तो ये मेरा कस्टर्ड तैयार हो चुका है ना, बहुत ही सिंपल और एक मज़ेदार रेसिपी। तो दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं, इंजॉय करिए एक माउथ वाटरिंग डिलीशियस ये डिज़र्ट की रेसिपी।